तो गाइस अभी हम आ चुके मरीन लाइन में। सभी को पता है मुंबई में रहने की दिक्कत नहीं, हगने की दिक्कत होती है। तो गाइस वहां से देखिए सही है भाई, पूरा लाइन दे सब हमारी लोकल ट्रेन आ चुकी है। चलो 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 चलो। तो फाइनली गाइस ये रहा अंदर एसी वाला। तू मान मेरी रात भर मौसम समंदर के बीच से रास्ता भाई। हे हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज है हमारा मुंबई का पहला दिन और ये कैसा होने वाला है आई डोंट नो, क्योंकि भाई ये मुंबई है भाई। क्योंकि पहले दिन जब हम आते हैं ना तो भाई रूम के लिए इधर इधर उधर भटकते रहते हैं। तो आज फाइनली रूम वगैरह सब कुछ मिल गया है और आज होने वाला है हमारा मुंबई पे पहला दिन। तो भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो फाइनली गाइस यहीं से आज के इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और हमारे साथ हमारे दोस्त लोग हैं। हाँ भाई चले चढ़े गए, ये सब आए थे बाहर। जैसे कि जानते हैं मुंबई में तो लेटरिन का कितना दिक्कत होता है और हमारा तो भाई जो लेटरिन था ना वो पहले हाउसफुल था। तो ये सब हगने आए थे। कहाँ हगने आए थे ना? नहीं तो भाई सब लोग 5-5 रुपए देकर लाइन लगाया और उसके बाद बाहर हम लोगों ने फ्रेश हुआ भाई। क्योंकि ये मुंबई आप सभी को पता है मुंबई में रहने की दिक्कत नहीं, थकने की दिक्कत होती है। तो बहुत चलते हैं फटाफट रूम नहाते हैं, क्योंकि पानी जो है ना 8:30 से 11:30 बजे तक आता है, तो उसी पे हमको नहाना होगा और निकलना होगा। तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई सामने देख सकते कितनी ऊँची ऊँची बिल्डिंगें हैं भाई, कब हम लोग वहाँ जाकर रहेंगे यार, आई डोंट नो। तो फाइनली गाइस अभी हम लोग सब लोग रेडी होकर नहा होकर निकल चुके हैं और आज का जो प्लान है ना, मतलब आज पहला दिन हमारा होने वाला है मुंबई पे। तो ये कल तो भाई पूरा मतलब पूरा सीन जो है रूम ढूंढने में ही निकल गया, तो आज है हमारा पहला दिन। भाई आज सब लोग घूम मचाने वाले, ये चूतिया गैंग का सरदार है हमारे। भाई बस फटाफट से निकलते हैं और ये रस देखो भाई, ये है भाई मुंबई, चलती फुरती मुंबई। यहाँ इंसान ना भाई रुकता ही नहीं, सब चलते रहते भाई। तो अभी चलते कुछ खाते पीते और देखते कहाँ जाना है अभी, और आज कैसा लगा हमारा पहला दिन मुंबई के अंदर वो हम आपको दिखाने वाले हैं। चलो वहाँ ये बादल की चादर। अभी हम लोग ऑटो कर चुके हैं और यहाँ सीधा चलते हैं लोकल, ये लोकल का ही सफर कर सकते हैं क्योंकि सस्ता होता है और टिकाऊ होता है। तो फाइनली अभी हम आ चुके हैं बोरीवली स्टेशन और यहाँ से अभी हमें जाने कहाँ जाना है। तो भाई यहाँ का एक चीज़ मुझे अच्छा लगता है कि मतलब यार अगर आप ऑटो करते हैं ना तो उसमें एक मीटर सिस्टम होता है, जहाँ तक आपको जाना होगा वो मीटर आपका पैसा बढ़ाता रहेगा। कोई फिक्स नहीं कि भाई 100 रुपये हम जाएंगे, बार्गेनिंग नहीं करना, मीटर पे जितना आएगा आपको उतना देना पड़ेगा। तो बस अभी कुछ खाते हैं और उसके बाद फिर निकलते हैं, क्योंकि अगर हम लोग एक बार पहुँच गए लोकेशन पे तो खाना पीना सब बंद हो जाएगा। तो चलते कुछ खाते हैं उसके बाद फिर निकलते हैं बस। तो भाई साहब यहाँ से कर रहे हैं हम लोग ऑनलाइन टिकट। बहुत तेजों की भूख लगी है तो भाई बड़ा पाव से ही काम चलाना पड़ रहा है, मुंबई का फेमस बड़ा पाव, तो इससे काम चलाएंगे। खाना वाना तो अब यार शाम को ही खाएंगे, तो ये खाते हैं और पेट को थोड़ा भर दे। तो भाई तुम आते देखिए सही है भाई, पूरा लाइन दे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो फाइनली गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं मरीन लाइंस के लिए। इतना सुकून आँखों में तुम। फाइनली गाइस अभी हमें जाना पड़ेगा प्लेटफॉर्म नंबर 2 से, क्योंकि मैम ने बताया अभी। तो भाई साहब हमारी लोकल ट्रेन आ चुकी है और इस पर हम सवार होकर जाएंगे मरीन लाइंस पे। बहुत देर से भाई हम लोग जा रहे थे, ये रही हमारी, ये चेक करो। तो फाइनली गाइस पे बैठते हैं और चलते हैं सीधा मरीन लाइंस पे, मचाते हैं बहुत। चलो 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 चलो। तो फाइनली गाइस ये रहा अंदर, एसी वाला है भाई ये लोकल नहीं शायद, पता नहीं लोकल है नहीं लोकल। ये चेक करो ये अंदर का ऐसा कुछ सीन है, ये पूरा मेट्रो टाइप का, जैसे हम लोग दिल्ली में नहीं था। तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूं। तो फाइनली गाइस यार खुशी में गम आ गया, ये
जो ट्रेन जा रही है ना ये भाई एसी वाला था, इसका एक अलग टिकट होता है। तो भाई टीडी ने हम लोग को पकड़ लिया और फाइन काट दिया। हमारे पास जो टिकट था ना वो था लोकल का और हम बैठ गए एसी वाले से। ये फाइन भाई मतलब यार मतलब क्या हुआ, जो बंदे टिकट लेने गए थे वो गए थे काउंटर में, पूछा उन्होंने क्या हम लोग जा सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ जा सकते हो, तो हम लोग बैठ गए मस्त। उसके बाद टीटी ने आया पकड़ लिया भाई, और पहले तो बोला था भाई 1000 फाइन थी, बोला 350, फिर 900 रुपये में 6 लोग छूट गए। तो भाई ये गलती कभी मत करना, एसी वाले में मत बैठना, बहुत महंगा टिकट है। हमारा टिकट था लोकल वाले का, ये सब बेचारे मुँह उतर गया, देखो सबका मुँह उतरा यार। हाँ भाई 900 फाइन दे दिया भाई सबने। मतलब यार वही तो 20 का टिकट हम लोगों ने लिया और बैठ गए एसी वाले पे, और भाई उसका एक स्टॉप का टिकट 100 रुपया। तो कोई बात नहीं, जो भी हुआ ठीक हुआ, सीखने को मिला। तो फाइनली फटाक चलते हैं मरीन लाइन, क्योंकि हम लोग आगे हल्की की बारिश हो रही है, चलते हैं और दिखाते हैं कैसा फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा है भाई, चलो। तो गाइस अभी हम आ चुके मरीन लाइन में, और भाई यहाँ पे इतने सारे कबूतर, इतने सारे कबूतर की भाई देख कर ना आंखें बाहर की बाहर आ जाएंगे, दिखा दूंगी आपको। तो गाइस ये चेक करो, वाओ 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 गजब का सीन आ रहा भाई, ये चेक करो भाई गजब का सीन आ गया मरीन लाइन में, आते ही साथ इतने सारे कबूतर मिल गए ना। तो अभी चलते हैं बॉस अंदर और दिखाते हैं आपको यहाँ की खूबसूरती भाई, मतलब ये खूबसूरती तो मैंने आपको दिखा दी बॉस। ठीक है सभी हम लोग आ चुके हैं मरीन ड्राइव पे, और भाई क्या खतरनाक सीन आ रहा है भाई, मतलब यार पहली बार आया हूँ लाइफ में लेकिन यार अलग सी फीलिंग आ रही है। ये चेक करो मतलब यार जो लहरें आ रही ना यार भाई, कसम से अगर एक बार कोई चला गया ना तो भाई बंदा नो मोर। तो दिखाते हैं अभी क्या सीन है यहाँ का, सब कुछ आपको दिखाएंगे। हल्की की बारिश हो रही ना तो इसलिए प्रॉपर वीडियो बन नहीं पा रही यार, फिर भी ट्राई करते हैं। तो भाई साहब अभी मैं आ गया हूँ मरीन लाइन्स के एकदम एग्जिट पॉइंट पे, भाई यहाँ से देखिए एक रास्ता बनाया जा रहा है, ये रास्ता देखिए उधर देखिए, मैं आपको यहाँ से जूम कर दूँ, बनाते हुए आ रहे हैं, बीच में गैप है, और एक समय ऐसा आएगा कि भाई ये पूरा आर पार जाने के लिए मस्त समंदर के बीच से रास्ता भाई। तो भाई ये जहाँ पॉइंट है ना, ये गेटवे ऑफ इंडिया मतलब मरीन लाइन का इंड है। ये चेक करो यहाँ की बिल्डिंग है भाई, यहाँ पुलिस स्टेशन भी है। तो भाई हल्की हल्की बारिश हो रही है और मतलब अलग लेवल है भाई, यहाँ बैठते हैं लोग, कपल आते हैं, फैमिली आते हैं भाई, नेक्स्ट लेवल। चलते हैं अभी और कुछ भी आपको दिखाते हैं कैसे क्या रहेगा, कैसा होने वाला आज का पूरा दिन, वो सब आपको दिखाते हैं। तो फाइनली गाइस अभी हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, मतलब यार अलग सी फीलिंग आ रही है यार यहाँ पे बैठ गए, मतलब सुकून मिल रहा है। वैसे तो हम लोग पूरा घूमते हैं अराउंड मार्ट हैं, लेकिन यहाँ पे जो बैठ कर सुकून आ रहा है ना, वाइब आ रहा है ना, बहुत खतरनाक आ रही है। वहाँ से स्टार्ट हुआ है ये सिलसिला पूरा, यहाँ से लेकर वहाँ तक जहाँ तक आपको नजर आएगी ना, मरीन ड्राइव है भाई, ऐसी चीज सुकून सा मिलता है यार, सुकून मिल रहा है बहुत ज़्यादा सब सुकून मिल रहा है। मतलब यहाँ से देखो जूते का भी रिएक्शन ले रहे हैं हम, ये देखो आज नए नए शूज पहने, और ये देखिए लहरें देखो भाई, मगर लोग देखे डेंजर जोन है वहाँ जाना मना है, लेकिन फिर भी लोग बैठे हुए हैं, ये देखो ये चेक करो, जाना मना है, पुलिस वाले आते हैं तो पकड़ के ले जाते हैं, चूतल में डंडे भी मारते है ना, मगर फिर भी लोग रिस्क लेते हैं बैठते हैं जाके। तो भाई हम ये रिस्क नहीं लेते, हमें यहीं पर बेस्ट है, वाइब ले रहे हैं, तो देखते हैं कितनी देर बैठते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। बहुत तो गाइस यहाँ पे बैठ के हमें 1 घंटा हो गया, और नाइट व्यू देख सकते हैं कैसा आ रहा है गजब, मतलब यार यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा यार, ये चेक करो, मतलब यार लग रहा है बस यहीं पे खटाई बिछा लें और सी हो जाए भाई, क्या बोलते हैं बॉस, रात को पुलिस का डंडा। लेकिन अलग सी वाइब आ रही है ना, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, और पीछे का लोकेशन देखो गाइस कितने शानदार लग रहा है यार, नाइट का व्यू देख सकते हैं यार, अमेजिंग लग रहा है भाई, मतलब देख रहे हैं अलग लेवल है यार, ये चेक करो, मतलब अलग वाइब आ रही है यार यहाँ पे टहलने में। तो अभी आगे चलते हैं, आगे दिखाते हैं आगे, तो भाई गजब का सीन आ रहा है। फाइनली गाइस अभी हम लोग आ गए स्टेशन पे, और यहाँ पे पी रहे हैं हम लोग जूस, ये हमारी जो ट्रेन है ना ये आ चुकी है भाई, तो फटाफट इसको पीते हैं और चलते नहीं छूट जाएगी भाई। मस्त टेस्ट है भाई, 10 रुपये में क्या चाहिए। तो फाइनली यार मजा आ गया भाई, एकदम फ्रेश हो गए। तो अभी आ गई है हमारी ट्रेन, तो उस पर सवार होते हैं पहले, उसके बाद बात करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कितना ब्यूटीफुल लग रहा है यार, वाह
वाह क्या खूबसूरत प्लेस है यार। तो गाइस अभी हम बैठ चुके हैं लोकल पे और जा रहे हैं रूम की ओर, क्योंकि अभी जो ना पूरी तरीके से खाली है भाई, पूरा खाली पड़ा जाता है, अभी क्राउड नहीं, क्योंकि शाम का टाइम हो गया ना और इधर से ट्रेन जा रही है। तो फाइनली गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं और काफी अच्छा रहा पहला दिन। अच्छा क्या हमें डर रहे थे हम लोग थोड़ा डर रहे थे, रिएक्शन थोड़ा नहीं ले पाए, तो कल से बहुत मचाने वाला, बहुत मजा आया और कई सेलिब्रिटी का इनविटेशन आ चुका है। हाँ, बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने हमको अपने घर पे इनवाइट किया खाने पे। हाँ। तो कल से कोशिश करेंगे जाने के लिए और आपको दिखाएंगे तरह तरह के ब्लॉग। यहाँ पे ले लिया हमने बहुत सारे फ्रूट, एप्पल, तो कुछ फैंस मिल गए थे हमारे चलते फिरते। तो बस आज के इस ब्लॉग पे इतना ही, मिलते हैं एक और नए ब्लॉग पे, जब तक के लिए टाटा बाय बाय। फ्रूट्स खाते हैं भाई, एप्पल वगैरह खाएंगे और मचाएंगे बॉस, है ना बॉस। चलो बॉस।